हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे सामने है 2023 किया फेसलिफ्ट एक्स लाइन। तो सेल्टोस फेसलिफ्ट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना डाली है, चाहे जीटी लाइन हो जाए, चाहे एचटीएक्स हो गया और एचटीके प्लस, इवन एचटीके प्लस वर्सेस एचटीएक्स, मतलब चार वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी है। अब जस्ट बिल्कुल इसका जो टॉप ऑफ द लाइन है एक्स लाइन, इसकी वीडियो की कमी थी, तो आज हम आपके लिए ये भी कमी पूरी कर देंगे। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या सब फीचर्स मिलते हैं, क्या प्लस है, क्या माइनस है और क्या ये कार आपको कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले कार की आप फ्रंट लुक देखो। सेल्टॉस की तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी ली है, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिकली वही कनेक्टेड DRLs है। लो बीम के लिए 2 चैम्बर्स, हाई बीम के लिए 1 चैम्बर्स, फॉग लैम्प के लिए आपके पास ऐसे 4 क्रिस्टल वाले इफेक्ट मिल जाते हैं। सामने क्रोम का टोटल नामो निशान अब किया ने मिटा दिया है एक्स लाइन में एटलीस्ट, क्योंकि ग्रिल देखो टोटल ग्लॉस ब्लैक है। नीचे एलिमेंट्स भी सारे के सारे आपको ग्लॉसी ब्लैक में ही मिलते हैं। सामने आपके पास मिल जाते हैं 4 पार्किंग सेंसर, कैमरा भी यहाँ पे है और ये हो गया है इसका रेडार, क्योंकि इस कार में आपको Level 2 का ADAS फंक्शन भी मिलता है। किया का ये लोगो हो गया और एक्स लाइन की जो बेस्ट चीज़ वो है इस कार की पेंट। ये जो मैट ग्रे में आपको मिलता है इतना बढ़िया लगता है ना रोड पे, इस कार की एक अलग ही रोड प्रेजेंस निकल के आती है अगर आप रोड पे इसको कंपेयर करते हो दूसरे कार से। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको कैमरा भी दिया गया है, क्योंकि इस कार में जो Level 2 का ADAS है वो रेडार एंड कैमरा बेस्ड है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को अब भी अच्छी नहीं लगती वो है कि कार में इन्होंने अभी भी वो रेगुलर वाले वाइपर्स ही दिया है। Hyundai किया वालों, कब आप लोग अच्छी क्वालिटी के एरोट्विन वाइपर्स अपनी कार्स में दोगे? पता नहीं यार, इतनी महंगी कार है। मैं आपको कार का एक शोरूम प्राइस बता देता हूँ। इसमें आपको एक पेट्रोल इंजन मिलता है DCT के साथ टर्बो वाला, और एक डीजल मिलता है आपको ऑटोमेटिक के साथ। दोनों के एक शोरूम प्राइस बिल्कुल सेम है, 19,99,000 रुपीज़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 20 लैक्स। सो ऑन रोड कहीं ना कहीं ये 22 लाख ऊपर चली जाती है कैलकाटा में, दूसरे स्टेट्स में शायद और ऊपर होगी, वो रोड टैक्स के ऊपर है। लेकिन इतनी महंगी कार में भी ये वाइपर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम मी एटलीस्ट। बट ये जो अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, ये आपको सेगमेंट बेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रोफाइल है 18 inches, आप देख सकते हो 215/55 R18। सेगमेंट में और किसी भी कार में आपको 18 inches के अलॉय नहीं मिलते एक्सेप्ट सेल्टॉस। और इसकी डिज़ाइन जो डायमंड कट है इतनी प्यारी मेरे को लगती है, आप ज़रा खुद साइड से इसकी लुक देखो, इतनी सही लगती है ना इसकी साइज़। बहुत बड़े से व्हील्स, बहुत गजब की इसकी स्टांस रोड पे निकल के आती है। ये आई बिलीव पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। ग्लॉसी ब्लैक में आपको ORVM मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ, और ये 360 का ऑप्शन। यहाँ पे क्लैडिंग थोड़ी सी है, जो डोर हैंडल्स है ये आपको थैंकफुली ये मैट कलर में ही मिलते हैं। ये अगर क्रोम में दे देते तो बड़ा अजीब लगता, लेकिन ये जो क्रोम की स्ट्रिप है लाइनिंग, ये भी अगर मैट ब्लैक में करते तो कहीं ना कहीं अच्छा बैठता, क्योंकि कार में और कहीं पे भी क्रोम नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा मेरे को ऑड लग रहा है। लेकिन पर्सनली आप बताओ आपको कैसा लगता है। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर UV कट ग्लासेस भी दिया गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ये तो बहुत अंडररेटेड चीज़ है जो ज़्यादातर कंपनीज नहीं देती और ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते। आई बिलीव ये देना चाहिए हर कंपनी को। इसमें रूफ रेल आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है, बड़ा सा वो सनरूफ है, शाफिन एंटेना भी है, स्पॉयलर यहाँ पे हो गया, और पीछे भी आपको सेल्टॉस फेसलिफ्ट में हर एक वेरियंट में स्टैंडर्ड डिस्क ब्रेक मिलता है, तो ये अच्छी बात है। रियर लुक देख लो, रियर से भी मेरे को तो काफ़ी सही लगती है, ज़्यादातर लोगों को ये अच्छी ही लगती है, क्योंकि ये जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स है ना यार, रात में इतनी प्यारी लगती है, मैं आपको क्या ही इसका लुक बताऊँ, बहुत सही। किया का लोगो बीच में है, वाइपर अगेन रेगुलर क्वालिटी के, विच आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। और यहाँ पे डिफॉगर हो गया। जो रिवर्स लैम्प है वो आपको अनफॉर्चुनेटली येलो कलर में ही मिलता है हैलोजन, बट जो इंडिकेटर्स है वो आपको सिक्वेंशियल स्टाइल में मिल जाते हैं, सेल्टॉस की बैजिंग है, कैमरा तो है ही है। और हाँ, नंबर प्लेट की लाइट्स देखो यार, ये भी कितनी गंदी लगती है येलो कलर में। किया वालों इसको भी कर दो ना LED में, 200 रुपये की मात्र ये आती है, 200 रुपये डालने में क्या आपका जाता है। बट एक बढ़िया चीज़ है, आपको दो पीछे एग्जॉस्ट मिलते हैं एंड दीज आर एक्चुअली फंक्शनल, ये डमी के लिए नहीं है। अगर आप इसका टर्बो वेरियंट लेते हो तभी आपको ये मिलेगा, दूसरे किसी इंजन ऑप्शन के साथ ये डुअल एग्जॉस्ट आपको नहीं मिलेगा। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको मिल जाता है वही 433 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। पार्सल ट्रे भी काफ़ी अच्छा खासा है। ये लैंप आपको मिलता है, बट ये भी आई बिलीव LED में होना चाहिए था। बिल्कुल फ्लैट बूट है, कोई दिक्कत नहीं है। बोस के आपके पास सब वूफर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको 8 स्पीकर का सेटअप दिया गया है। बूट को करते हैं बंद, बूट की वेट भी डिसेंट है। चलो यहाँ पे आपके पास मिल जाता है एक रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस साइड पर नहीं है। आ जाते हैं अंदर,
अंदर देखो बॉटल होल्डर, लोग कहते हैं 1 लीटर की बॉटल आती है, लेकिन ये आई बिलीव 1.5 लीटर की या फिर 2 लीटर की बॉटल है, ये भी यहाँ पे आ गई। तो बढ़िया स्पेस है यहाँ पे, बोस की ब्रांडिंग है क्योंकि बोस के स्पीकर्स है। और ये पर्सनल जो कलर है मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये जो लाइट ग्रे और ये रेड स्टिचिंग, यार इतनी प्रीमियम लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। चारों के चारों विंडोज वन टच अप एंड डाउन है, सो दैट्स गुड। VW स्कॉडा में जो पहली फीचर आती थी, अब किया ने भी ये डाल दिया, बट अनफॉर्चुनेटली VW स्कॉडा ने ये हटा दिया, तो ये थोड़ा सा आयरन की बात हो गई। खैर यहाँ पे ट्विटर हो गया। 8-way एडजस्टेबल आपके पास सीट मिल जाता है फॉर ओनली द ड्राइवर। आई बिलीव इस बजट में इस सीट को भी ये फीचर मिलना चाहिए था, क्योंकि टाटा नेक्सॉन जो इसकी एक सेगमेंट नीचे की कार है उसमें भी ये फीचर आती है, और आई बिलीव यहाँ पे मेमोरी सीट्स भी इनको देना चाहिए था। बट क्योंकि ये स्पोर्टी इंजन है, इसीलिए आपके पास मेटल वाले पेडल्स मिलते हैं, जो कि रियलिटी में बहुत स्पोर्टी लगती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे, यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये HUD का बटन। अब अंदर चले, अंदर देखते हैं कि कैसा इसका है सब कुछ हिसाब किताब। डोर थर्ड, इट्स एक्चुअली गुड। चाबी देख लो, ये किया की चाबी है। ये कई लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन रहता है इस चाबी को लेके, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी सी अटपटी सी शायद लग सकती है, बट मेरे को पर्सनली काफ़ी ये बढ़िया लगती है चाबी, काफ़ी यूनिक लगती है। ये साइड में जो बटन्स है लॉक अनलॉक होल्ड करके इंजन स्टार्ट, और ये अपना बूट अनलॉक करने के लिए, तो मेरे को तो सही लगता है यार। अब खैर ये पर्सनल चॉइस की बात है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, ग्रिप काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे। ये रेड स्टिचिंग भी आप देख सकते हो, ये केवल एक्स लाइन में ही आपको मिलता है। फ्लैट बॉटम है, हाइट के लिए है, रीच के लिए भी ये है, अच्छी बात है। पैडल शिफ्टर्स आपके पास यहाँ पे प्रॉपर दिए गए हैं। ऑडियो के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे हैं, MID के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, और ये क्रूज कंट्रोल के लिए है, और ये आपके ADAS के जो फीचर्स है लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, इनके लिए ये फीचर आपको दिया गया है। यहाँ पे देखो यार, ये जो डिस्प्ले है ना 10 इंच का, ये टोटल कनेक्टेड, ये वाला मेरे को इतना प्रीमियम लगता है। लेफ्ट साइड पे ये थोड़ा सा स्पीडोमीटर है, ये टैकोमीटर है, और इसकी ब्राइटनेस, इसकी डिस्प्ले यार बहुत गजब की है, बहुत ज़्यादा। इस बटन से आप टोटल अपना ब्राउज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, ये TPMS का इन्फॉर्मेशन है, ये ADAS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये फ्यूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये डिजिटल स्पीड है, और ये ट्रिप इन्फॉर्मेशन A to Z। एक और मैं आपको बढ़िया चीज़ इसका दिखाता हूँ, इसमें क्या है, ड्राइवर ट्रैक्शन मोड्स आते हैं। देखो स्पोर्ट पे डाला, इसकी एनिमेशन बदल गई, इको पे डाला ब्लूइश टाइप हो गई, नॉर्मल पे डाला ये थोड़ी सी ग्रे हो गई, और ये स्पोर्ट है। यहाँ पे इसका जो इन्फोटेनमेंट है, इससे भी इसका चेंज होता है, इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डायनामिक, माय गॉड, ये चीज़ आप देखो यार, ये कितनी प्रीमियम लग रही है, मैं आपको बता नहीं सकता कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन रियलिटी में आप देखो इस एंगल से, किया का लोगो मैंने छुपा दिया है, इस एंगल से कोई बता पाएगा कि ये 20 लाख की कार है, ये एक मिड साइज SUV है भाई, लिटरली लग्जरी कार वाली फील आ रही है, इतनी प्रीमियम लग रही है इस एंगल से। ये डिस्प्ले तो है ही है, ओवरऑल लेआउट भी आप खुद देख लो इस एंगल से, माय गुडनेस, आई हैव एब्सोल्युटली नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस। खैर इसका मैंने दिखा दिया, इस पे आते हैं। ये 10 इंच का आपको मिल जाता है सिस्टम, बहुत फ्लूइड है, कोई लैग नहीं है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे आपको मिलता है, बट देयर इज अ कैच। ह्यूंडई किया की एक चीज़ मेरे को इतनी अजीब लगती है, ये जो 10 इंच का बड़ा वाला डिस्प्ले आता है जो इनके टॉप मॉडल्स में आता है, उनमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले वायर्ड मिलता है, बट इनके जो लोअर मॉडल्स है जिनमें 8 इंच की छोटी डिस्प्ले आती है, उनमें वायरलेस देते हैं। मतलब लोअर वेरिएंट्स में फीचर है बट अपर वेरिएंट्स में फीचर नहीं है, तो ये किस लॉजिक से ये लोग देते हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये हेडसअप डिस्प्ले है। इसकी आप डिस्प्ले देख सकते हो, आई बिलीव यहाँ पे विजिबल है, थोड़ा सा फोकस ले ले यार मेरे कैमरे यहाँ पे, ये थोड़ा सा है, तो ये भी काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ऊपर सब कुछ हार्ड प्लास्टिक्स है, विच इज़ नेचुरल एट दिस प्राइस पॉइंट एंड इन दिस सेगमेंट। यहाँ पे एक स्पीकर का प्लेसमेंट हो गया, बट ये मटेरियल देखो, ये सॉफ्ट टच लेदर में यूज़ किया गया है, और ये मटेरियल इतना स्मूथ है यार, कितनी प्यारी लगती है। पिछले सेल्टॉस में एक प्रॉब्लम था, इसका जो इन्फोटेनमेंट था वो ऐसे हिलाने से चर करती थी, जो मेरे सेल्टॉस में प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सुधार दिया। देखो इसमें लिटरली कोई साउंड नहीं है। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है एक अच्छा खासा ग्लव बॉक्स, बट इसमें लाइट नहीं है, कूलिंग का भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे डुअल जोन आपके पास AC मिल जाते हैं, विच इज़ अगेन गुड। और ऑडियो के लिए फिजिकल जो शॉर्टकट बटन्स है वो भी आपको दिया गया है, विच आई एब्सोल्युटली लव, स्पेशली वॉल्यूम का ये बटन तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पे बढ़ते हैं, ये अपना DCT का गियर लिवर। यहाँ पे ऊपर आपके पास मिल जाता है वायरलेस चार्जर, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छा खासा है। देखो दो परफ्यूम है, एक सनग्लास है, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे एक USB सॉकेट है, और यहाँ पे एक टाइप C का सॉकेट है। ज़रा फोकस ले रहे मेरे कैमरे, हाँ
यहाँ पे अगेन ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स हैं। ट्रैक्शन के लिए देखो आपको मिल जाता है स्नो, मड, सैंड, ये सब है, और ड्राइव के लिए ये सब तो है ही है। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स के बटन हैं। ये अपना जो कैमरा है इसका व्यू के लिए, ये देखो 360 कैमरा का यहाँ पे व्यू, कैमरा क्वालिटी गजब की है। और यहाँ पे आपके पास मिल जाता है फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑन और ऑफ करने का बटन। एक और बढ़िया चीज देखो, क्योंकि मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया है तो यहाँ पे ये डिस्प्ले भी बना आ रहा है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। अगर मैं राइट का देता हूँ तो राइट पे आ जाता है। कैमरे की क्वालिटी इज डिसेंट, ये आई बिलीव थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट इट गेट्स द जॉब डन। इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद द ऑटो होल्ड फंक्शन। यहाँ पे मिल जाते हैं आपके पास कप होल्डर्स, और ये चीज है इतनी स्मूथ है, देखो बहुत ये प्रीमियम है यार। दो दो कप होल्डर्स यहाँ पे। स्टोरेज स्पेस देखो कार में भर भर के है। सीट कंफर्ट मेरे को जबरदस्त लगी, और ये सीट का जो पैटर्न है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत सही है। अंडर थाई सपोर्ट भी पहले से काफी इंप्रूव किया गया, आई लव इट। सीट की जो कुशनिंग है ये भी काफी जबरदस्त है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट है ना ही ज्यादा फर्म, सो लॉन्ग राइड्स के लिए इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है विद रेड स्टिचिंग। यहाँ पे अगेन स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे देखो तो मिरर है, कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे टिकट होल्डर है। यहाँ पे दो दो केबिन लाइट्स आपको मिल जाते हैं प्रीमियम व्हाइट में। सनग्लास होल्डर यहाँ पे है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM है विद द SOS एंड किया कनेक्ट फंक्शंस आल्सो। बड़ी सी पैनोरमिक सनरूफ, इसको क्या ही दिखाना, अब तो सबने दिखाई दिया, तो ये उतनी ज्यादा स्पेशल चीज नहीं रही। खैर स्पेशल तो है लेकिन यूट्यूब के लिए उतना नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बना डाला है। अब पीछे चले, सामने की सीट बिल्कुल मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अब जरा स्टार्ट बंद करते हैं कार का, हम फालतू में तेल नहीं पियेंगे। पीछे चलते हैं, पीछे क्या हिसाब किताब है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो इसका रियर डोर है, काफ़ी अच्छा खासा खुलता है, आप देख सकते हो। ये जो सनशेड्स ह्यूंडई और किया प्रोवाइड करती है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्पेशली अब नई टाटा हैरियर में भी ये चीज़ इन्होंने डाल दिया है। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक का फिनिश, ये हार्ड प्लास्टिक है बट ये टोटल सॉफ्ट टच मटेरियल है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा क्वालिटी का है। रेड स्टिचिंग, पावर विंडो के कंट्रोल्स, बोस के स्पीकर, बॉटल होल्डर, और ये स्कफ प्लेट। सीट्स आप देखो, आप इसका रिक्लाइन एंगल टू स्टेप में चेंज कर सकते हो। ये अपना अपराइट एंगल है, डिफरेंस आप देख सकते हो, और ये ऑल द वे रिक्लाइंड एंगल है, तो बढ़िया बात है, लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी सही होने वाला है। यहाँ पे आ जाते हैं, 6 फीट बंदे के लिए स्पेस अच्छा खासा है। लेगरूम देख लो, भरपूर मेरे पास है। नीरूम भी काफ़ी सही है, 5-6 उंगलियों का ऑलमोस्ट है, विच इज़ गुड। मैगजीन होल्डर यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ये मटेरियल हार्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि सामने वेंटिलेटेड सीट्स है। अंडर थाई सपोर्ट इट्स ओके, बहुत बढ़िया नहीं है बट ज़्यादा कंप्लेन करने लायक भी नहीं है। लंबे पैसेंजर के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लॉन्ग जर्नीस पे, बट नॉर्मल हाइट के बंदों के लिए इट्स गुड। हम थोड़ा सा है बट इट्स मैनेजेबल। दो दो टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। फोन रखने का स्टोरेज स्पेस यहाँ पे है। यहाँ पे है एसी वेंट्स, यहाँ पे एयर प्यूरीफायर का भी कंट्रोल्स आपको मिलता है। ये टोटली टच बेस्ड है। सनरूफ की व्यू देखो, बड़ी जबरदस्त आपको मिलती है, इतना एयरी लगता है, क्योंकि ये ऑल ब्लैक इंटीरियर है, एक्स लाइन है इसीलिए, बट इसको एयरी बनाने के लिए ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ कहीं ना कहीं जस्टिस तो करता ही है। एक अच्छी चीज देखो, ये क्वालिटी फ्लिम्सी नहीं है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि मैंने कुशाक और टाइगोन के सनरूफ में देखा ये बिल्कुल ऐसे दब जाती है, बहुत हिलती है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है यार। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स किया की हमेशा से बेस्ट रहती है, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। क्वार्टर ग्लास पैनल भी यहाँ पे है, 3-3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पे आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स। तीनों पैसेंजर के लिए 3-pointer सीट बेल्ट यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हो बीच के पैसेंजर का सीट बेल्ट। आइसोफिक्स सीट माउंट्स भी है, और ये कलर तो मैंने बता ही दिया, इतना प्यारा मेरे को लगता है, इतना सूदिंग, इतना प्रीमियम। चलो एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों मैंने आपको दिखा दिया है, अब बारी है मेन चीज दिखाने की, जो है इसका इंजन, जिसकी वजह से ये कार बहुत ज्यादा बिकने वाली है और बिकना डिजर्व भी करती है। ये देखो टर्बो स्मार्ट स्टीम, ये इसका वही मशहूर 1.5 लीटर नया वाला टर्बो चार्ज इंजन है, जो कि पावर निकाल के देता है 160 PS, विच इज एब्सोल्युटली फेनोमिनल। इसका टॉर्क भी है 253 Nm। तो इन नंबर्स के साथ सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल कार अब किया सेल्टॉस ही बन चुकी है। जो बॉनेट की हुड है, यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दिया गया है। बॉनेट का वेट भी अच्छा खासा है भाई, बंद करे बॉनेट की थर्ड, देखो इट्स गुड। देखो कार में अगर आप देखते हो, प्राइसिंग आपको थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड लग सकती है, अगर आप 22-23 लाख खर्च करते हो एक ऐसी साइज की कार के लिए, क्योंकि इस प्राइस में आपको और भी बड़े ऑप्शंस मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन ये प्रायोरिटीज़ की बात होती है, हमेशा साइज इज़ नॉट एवरीथिंग। आजकल सिटी में बहुत कंजेशन बढ़ गया है, इसीलिए पार्किंग करना मुश्किल हो जाती है। इसीलिए ये जो कार की साइज़ है, ये कहीं ना कहीं परफेक्ट है, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी। और इस प्राइस में
इतने ज्यादा फीचर्स और किसी कार में नहीं है। आप मेरे को एक कार बता दो जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं, अंदर इतना बढ़िया आपको एक क्वालिटी मिलता है, हर मटेरियल का इतना प्रीमियम फील होता है भाई। इन चीज़ों को अगर आप देखते हो ना, तब कहीं ना कहीं ये प्राइस जस्टिफाई होती है, क्योंकि इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग फीचर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है अगर आप सेगमेंट वाइज कंपेयर करते हो। तो आज की तारीख में कहीं ना कहीं सेगमेंट की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट यही बन चुकी है, और ऑलमोस्ट परफेक्ट प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हो। बस एक छोटी सी जगह है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो है सेफ्टी। इसका जो प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है उसका क्रैश टेस्ट किया गया था, उसमें तो 3 स्टार मिले थे, लेकिन अब इन्होंने पैरामिक सनरूफ डाला है, जिसकी वजह से इन्होंने जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। अब आई डोंट नो कि वो सिर्फ सनरूफ को फिट करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है बेयर मिनिमम, या फिर सच में इन्होंने सेफ्टी में भी इम्प्रूवमेंट किया है। आई होप ये सेकेंड पॉइंट ही हो। एंड आई थिंक अब अगर इसको क्रैश टेस्ट में भेजेंगे तो पहले से थोड़ा सा बेटर आ सकता है इसको, क्योंकि अब काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें स्टैंडर्ड आ चुके हैं जो पहले नहीं थे। फिर भी आई बिलीव इसकी जो चेसी है और मजबूत होनी चाहिए, और ह्यूंडई वरना जब 5 स्टार ला सकती है तो किया सेल्टॉस क्यों नहीं ला सकती। तो किया वालों, आपसे मेरी एक ही विनती है, जस्ट सेफ्टी पर थोड़ा सा काम कर लो। 5 स्टार अगर इस कार को मिल जाते हैं ना भाई, मेरी बात मान लो, बाकी कंपनीज छोड़ के निकल जाएगी ये सेगमेंट को, क्योंकि कोई कार इसको टक्कर दे ही नहीं पाएगी। किया ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, जस्ट सेफ्टी में थोड़ा सा अगर रीअश्योरिंग स्टार्स आ जाते हैं तो क्या ही कहने, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय रिव्यू ऑफ द 2023 किया सेल्टॉस एक्स लाइन। आप लोग कमेंट्स में बताओ आपको ये कार कैसी लगती है, सेल्टॉस के लाइनअप में सबसे फेवरेट आपका वेरिएंट कौन सा है, और अगर आप भी सेल्टॉस 2023 फेसलिफ्ट ओन करते हो तो भी आप कमेंट्स में बता देना। और हाँ, इतना ही था वीडियो, इतना तक अगर आपने देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।